अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं अनारसे। ये मैंने एक पैन में एक कप शुगर ऐड करी है और दो कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो एक ही कप लिएगा शुगर, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो डेढ़ कप शुगर लिएगा, डेढ़ कप या सवा कप, और पानी हम दो कप ही ऐड करेंगे। शुगर को हमें मेल्ट होने तक पकाना है। मैंने फ्लेम स्लो कर दी है और ये मैंने लिया है दो कप चावल का आटा। ये मैं इसमें हल्के हल्के करके मिक्स कर दूंगी। जितना हमें आटा लेना है उतना ही हमें पानी लेना है। दो कप मैंने आटा लिया है तो मैंने दो कप ही पानी इसमें ऐड करा है, और शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही लाइट मीठा है जो मैंने एक कप शुगर में यूज़ करी है। अच्छी तरीके से सब मिक्स कर लेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और उसके बाद हम इसके अच्छे से हम आटे की तरह गूंदेंगे। देखिए ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसमें 1 टीस्पून तिल ऐड करे हैं और ये 2 टेबल स्पून मैंने लिए है दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसे अच्छी तरीके से गूंद लेना है और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। और अगर ये हाथों में हमारे चिपकेगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में घी लगाकर अच्छी तरीके से इसको गूंद लेंगे। ये 2 टेबल स्पून दूध पूरा ही इसमें लग जाएगा। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो रही है। देखिए मैंने पूरा दूध इसमें ऐड कर दिया है। हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। और इसको हमें तिल में रोल करना है। सारी गोलियाँ हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। पहले मैंने एक प्लेट में तिल लिए, इसको अच्छी तरीके से अपनी गोलियों को इसमें हम रोल कर लेंगे। सारे अनारसे हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ज़्यादा हमें तेज़ गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे फ्राई करना है ताकि ये एकदम अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जाए और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। हल्का हल्का गोल्डन कलर इसमें आ गया है। देखिए ये गोल्डन हो रहे हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से अलट पलट करके दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। हमें अपनी फ्लेम मीडियम ही रखना है। बहुत ही टेस्टी से तैयार हुए हैं ये अनारसे, ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। देखिए इसमें एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे बहुत ही मज़ेदार से अनारसे बिल्कुल रेडी हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं आप अंदर से सॉफ्ट हैं और ऊपर से एकदम क्रंची हैं ये। ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।